आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में शहीद दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। शीश झुकाकर अपने सेना और सुरक्षा के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। भले ही पाकिस्तान ने चार चार बार हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए हो, लेकिन यहां के जांबाज जवानों ने उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, उनके हौसले पस्त कर दिए। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को सीधे पराजित नहीं कर सकते, इसलिए इसने छद्म युद्ध का सहारा लिया है, छद्म युद्ध का सहारा लिया है, आतंकवाद के सहारे। वह चाहता है कि जम्मू कश्मीर को हम भारत से अलग कर देंगे। पाकिस्तान को इस हकीकत को समझना चाहिए, आतंकवाद यह बहादुर लोगों का हथियार नहीं हुआ करता है, आतंकवाद यह कायरों का हथियार होता है, मुगालते में है यह पाकिस्तान। कि हम मजहब के आधार पर फिर से भारत को बांट देंगे, बहनों भाइयों, भले ही 1947 में मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हो गया होगा, लेकिन आज भी अपना दिल उसे स्वीकार नहीं करता है। आप बराबर टकराने की कोशिश करते हो भारत के साथ, मजहब के आधार पर भारत का विभाजन करा दिया। इसके पहले की सरकारों ने भी हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव किया, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन भारत का गृह मंत्री होने के नाते और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की नीयत को जो मैं समझता हूं, विचार को जो मैं समझता हूं, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम हिंदुस्तान में हम सबको साथ लेकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, यह हमें यकीन दिला। 71 में उसी पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अभी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड। गृह मंत्री ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि हमारा मानना था कि अगर हम भारत को शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं तो हमें सभी पड़ोसी देशों का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा, शरीफ को केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि इसलिए बुलाया गया था कि दोनों देशों के दिल मिले। NMF न्यूज की रिपोर्ट।